हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुजरात की स्पेशल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी खमन की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। सबसे पहले मैं 1.5 बड़ी बाउल बेसन ले लूँगी। इसे चलनी में अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। 1/2 छोटी बाउल सूजी डाल देंगे। कुटी हुई अदरक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 छोटी टीस्पून नींबू का फूल यानी कि सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ मैं। इससे ही आपके खमन में बाजार जैसी खटास आएगी। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 2 स्पून तेल डाल देंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर ले। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी थिक बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा थिक होना चाहिए बैटर। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। आपका ढोकला एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। कोई भी सवाल हो रेसिपी से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हमारा सेमी थिक बैटर रेडी है। अब मैं इसे 10-15 मिनट ढककर रेस्ट करने दूंगी। अब हम स्टीमर रेडी कर लेंगे। एक कोई सी भी कढ़ाई या पैन ले ले, बड़ा बर्तन ही लेना है हमें। 1.5 ग्लास जितना मैं पानी डाल रही हूँ। अब एक स्टील का स्टैंड रख देंगे पैन में। अब ढक कर इसमें बॉयल आने देंगे। अब एक यहाँ पर मैं स्टील का मोल ले रही हूँ। अब कोई सा भी ऐसा गहरा बर्तन ले, इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर ले। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब 5-6 मिनट एक ही डायरेक्शन में इसे विस्क कर ले। आप चाहे तो इनो का इस्तेमाल भी सोडा की जगह कर सकते हैं। अब हम फटाफट से इसे टिन में डाल देंगे। ये प्रोसेस तुरंत ही करना होता है हमें। थोड़ा टैप कर ले टिन को। अब बर्तन को बॉइलिंग वाटर में रख देंगे आराम से और ढक कर 15 से 20 मिनट इसे हम कुक होने देंगे। 15 मिनट बाद ही ढक्कन को खोले और चेक करें, उसे पहले नहीं करना। मैंने 20 मिनट इसे कुक कर लिया है। नाइफ डालकर चेक कर ले, अगर स्टिक ना हो रहा हो नाइफ पर तो खमन कुक हो चुका है। अदरवाइज 5 मिनट और ढक कर कुक कर ले। अब इसे हम ठंडा करने देंगे। अब तड़का रेडी कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे। 3 स्पून ऑयल डाल दें। 2 टीस्पून राई डाल देंगे। क्रैकल हो जाने दे अच्छे से। 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। 2 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे। करी पत्ता डाल देंगे। चला ले अच्छे से। 2-3 कटी हुई हम हरी मिर्च डाल देंगे। भून ले अच्छे से इसे। तीन स्पून चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे। 1 छोटी बाउल पानी डाल देंगे हम इसमें। अब इसे 3-4 मिनट चलाते हुए बॉईल कर ले। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर से करें। हमारा तड़का रेडी है। हमारा खमन ठंडा हो चुका है। अब नाइफ से साइड में से इसे कट लगा लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा खमन कितना परफेक्ट बना है। एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। अब नाइफ से इसे इस तरीके से स्क्वायर कट लगा ले।
अब सभी तड़के को खमन पर डाल देंगे, सभी को डाल दे जिससे खमन एकदम मार्केट जैसा जूसी एंड टेस्टी लगे। रेसिपी को ट्राई करना ना भूले और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड जूसी खमन बनकर रेडी है। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, इसे शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।